बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर। आज हम डिस्कस करेंगे औरंगज़ेब आलमगीर स्टार्टेड टू लूज़ हिज पावर ग्रेजुएटली। औरंगज़ेब आलमगीर ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ताकत को क्यों खोना शुरू किया था, इसकी क्या रीजंस थी, क्या वजूहात थी, हम इन दिस वीडियो डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड में एंड कार्ड है, उसको क्लिक कीजिए और मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कीजिए। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्या वो रीजंस थी जिससे औरंगज़ेब ने अपनी ताकत को खोना शुरू किया। औरंगज़ेब फाइनली बिकेम एम्पायर, ही कैप्चर्ड असम, उच्च एंड बिहार थ्रू मिलिट्री एक्शन। औरंगज़ेब बिलावर शहनशाह बन गया तो इसने फ़ौज के ज़रिए असम, उच्च और बिहार पर कब्ज़ा कर लिया। द राजपूत स्टेट फॉर्म्ड एन अलायंस ऑन पॉलिटिकल बेसिस। राजपूत राजा ऑफ मेवाड़ टुक एक्टिव पार्ट टू द फॉर्ज दिस अलायंस। राजपूत रियासतों ने सियासी बुनियादों पर इत्तेहाद कायम किया। मेवाड़ के राजपूत राजा ने इस इत्तेहाद को कायम करने के लिए सरगर्म हिस्सा लिया। औरंगज़ेब फाउट मैनी बैटल्स आफ्टर हिज असेसेशंस टू द थ्रोन। फाइनली द मुगल्स अनेक्स्टेड मेवाड़ एंड आल्सो ब्रॉट अदर राजपूत टेरिटरीज अंडर देयर कंट्रोल। औरंगज़ेब तख्त पर फाइज होने के बाद कई जंगें लड़ी इसने औरंगज़ेब ने, और आखिरकार मुग़लों ने मेवाड़ पर भी कब्ज़ा कर लिया और दिगर राजपूत इलाकों को भी अपने कंट्रोल में ले लिया था। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ औरंगज़ेब सिखा क्रिएटेड अनरेस्ट इन पंजाब एंड कश्मीर। रॉयल आर्मी रिस्पॉन्डेड एंड डिफीटेड दम इन मैनी बैटल्स। औरंगज़ेब के दौर में सिखों ने पंजाब और कश्मीर में बद अमनी पैदा की और शाही फौज ने जवाब दिया और कई लड़ाइयों में इन्हें शिकस्त दी थी। ये रीज़न भी इन 1669 से हिंदू जट इन द सब अब ऑफ मथुरा रिवॉल्टेड अगेंस्ट औरंगज़ेब एंड स्टार्टेड अटैक एंड नियर बाई एरियाज। औरंगज़ेब सेंड हिज ग्रैंड सन बदर बेदार ग्रैंडसन बेदार बख्त टू टीच देम अ लेसन। बेदार बख्त डिफीटेड द जट्स। 1669 ईस्वी में मथौड़ा के मफाजात, यानी कि मथौड़ा के जो इलाके थे इर्द गिर्द के, उसमें हिंदू जाटों ने औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बगावत की और करीबी इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। औरंगज़ेब ने अपने पोते बेदार बख्त को इनको सबक सिखाने के लिए भेजा और बेदार बख्त ने जाटों को शिकस्त दी थी। औरंगज़ेब दक्कन पॉलिसी वॉज द बिगनिंग ऑफ द मेजर डाउनफॉल ऑफ हिज डायनेस्टी। ही डिस्ट्रॉयड द किंगडम्स ऑफ बीजापुरी एंड कोलकंडा एंड विगेड अ लॉन्ग एंडलेस वॉर फॉर एक्सट्रीमिनेशंस अगेंस्ट द मराठास। औरंगज़ेब की दक्कन पॉलिसीज के खानदान के बड़े जवाल का आगाज थी, जो सबसे बड़ी इसको जवाल हुआ और इसको इसने अपनी ताकत खोना शुरू की थी। औरंगज़ेब ने उसकी जो रीजंस थी वो दक्कन पॉलिसी थी। इसे निजापुर और कोलकंडा की सल्तनतों को तबाह कर दिया था और मराठों के ख़िलाफ़ एक तवील ना ख़त्म होने वाली जंग छेड़ दी थी। मराठों ने मुग़लों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था और वो डटे रहे थे अपने मिशन पर, जिसकी वजह से मुग़ल औरंगज़ेब ने अपनी ताकत को खोना शुरू कर दिया था। जी आई होप सो आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो